हेलो दोस्तों, एक्चुअली अब नक्शा आ चुका है ड्राइंग बनाने का। तो हम ये धागा को गोनिया में कर रहे हैं। देखिए गोनिया में कैसे किया जाता है। ये दो धागा लाइन बने हैं, एक सीधा ये इधर की ओर है और एक ये साइड की ओर है। तो ये देखिए हम एक फीट पे पकड़े हैं, एक फीट छोड़ के, ताकि थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो। ये एक फीट है ना, तो ये तीर का जो निशान होता है एक फीट में, इसको सही से ये लाइन वाला धागा में पकड़ना है। हाथ ऊपर करो और इन्हें जल दो। इसको सही से ऐसा पकड़ना है, इधर पक्का 4 फीट होना चाहिए। देखिए क्योंकि 1 फीट छोड़ ऐसे 3 बाय 4 बाय 5 होता है, 3 4 5 होता है। ऐसे 1 फीट छोड़ दें तो 4 फीट इधर आ गया। तो ये साइड का देखेंगे फिर। इधर देखिए, इन्हें इन्हें इसमें पहले देखिए। तो फिर ये देखिए, इसको भी 1 फीट छोड़ दें, उधर 4 फीट लिए थे, तो ये पक्का 5 फीट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 फीट छोड़े थे तो ऐसे 4 ही फीट होता है, 4 फीट, और उधर 3 फीट हुआ था। अब ऐसा नापेंगे तो 6 फीट होगा। ऐसे अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये देखिए, फिर ऐसा पकड़ते हैं तो पक्का 6 फीट हो गया। तो सोचिए आप गोनिया में सही है ऐसे पकड़ना है। और इधर ये देखिए, ये पक्का 6 फीट है। तो अब ये गोनिया में सही हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि ड्राइंग भी आ चुका है, तो हमको आपको ड्राइंग भी दिखा देते हैं। ऐसे यहाँ पर ये देखिए लाइन मार दिए हैं, तो 9.5 इंच का कॉलम आएगा क्योंकि ईंट का जुगाई है। तो ये धागा सीधा गया है, इधर से 4.5 इंच है, ये सेंटर लाइन है कॉलम का। तो ऐसा ही बनाना है ताकि फिर अगर ये धागा निकल भी जाता है तो ये सेंटर लाइन रहेगा, तो फिर बाद में बांध के इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सेंटर लाइन का जो है ड्राइंग आ चुका है। ये हम आज से आपको डेली का वीडियो देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। हेलो, तो दोस्तों आज हम 3 कॉलम का मार्किंग किए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये लाइन सीधा गया है, तो ये लाइन में सिर्फ 4 ही कॉलम है। मेन लाइन में ये C2 है, कॉलम 2 का है, और इधर एक धागा बांध दिए हैं क्योंकि सभी सामान खरीद के लाना पड़ा था, लाना पड़ गया था। ये C3 है और ये लाइन का एक कॉलम बच गया है, टोटल 20 कॉलम है।